कोई त्योहार हो या कोई स्पेशल ओकेजन, मिठाई उसमें हमेशा ही चार चांद लगा देती है। और शायद ही कोई ऐसा हो जिसे काजू की बर्फी पसंद ना हो। तो हम आज की रेसिपी में आपको बताएंगे कि आप वीगन तरीके से काजू की बर्फी घर पर कैसे बना सकते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम काजू लिए हैं। अब मीडियम सेक पर हम एक पैन को गर्म कर रहे हैं, जिसमें हमने एक चम्मच नारियल का तेल डाला है। अब हम इसमें काजू को 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि उससे सारा मॉइस्चर निकल जाए। जब भुने हुए काजू रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसको हम ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लेंगे। ध्यान रहे कि आपके काजू का सिर्फ पाउडर बने, बटर नहीं। अब एक बोल में हम भुने हुए काजू का जो पाउडर है उसे छान लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर काजू के पाउडर में किसी भी प्रकार की गुठलियां हैं तो वो निकल जाएं और आपकी बर्फी एकदम स्मूथ बने। तो चलिए अब चाशनी बनाते हैं। एक बड़ा कप चीनी का पाउडर और आधा कप पानी को हम तब तक मीडियम सेक पर पकाएंगे जब तक चीनी का घोल थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। अब तैयार की हुई चाशनी में हम काजू का पाउडर डालेंगे और दोनों चीजों को मिला लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिक्सचर कितना स्मूथ और क्रीमी है। अब इस मिक्सचर को हम एक पार्चमेंट पेपर पर, जिसमें हमने थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लिया है, उस पर ट्रांसफर कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को पेपर की मदद से ही 2 से 3 मिनट के लिए गूंदेंगे। अब जब मिक्सचर वार्म ही हो तो हम इस पर एक दूसरा पेपर रखेंगे और रोटी की तरह उसे बेल लेंगे। आप इसकी मोटाई अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बर्फी को सजाने के लिए वीगन वर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप इसको अपने किसी भी मनपसंद आकार में काट लीजिए। और ये हो गई वीगन काजू बर्फी तैयार। घर पे बनाने से आप पैसे तो बचाएंगे ही, पर साथ ही साथ अपने आप को बचाएंगे हर प्रकार की मिलावट से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।